हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इन दिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े आसानी से आप कोई भी पिक्चर दे सकते हैं और सेट कर सकते हैं आपका म्यूजिक फाइल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सिंपल 10 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने डाउनलोड लिंक दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जस्ट आपका म्यूजिक फाइल पे राइट क्लिक कीजिए एंड आप देख सकते हैं AMP ऑप्शन आ गया है यहाँ पर, एंड क्लिक टू एडिट टेक्स्ट। ओके, नाउ आप सिंपली आपका म्यूजिक फाइल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद थोड़ा डिटेल्स डाल दीजिए, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पियानो एंड आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट है पियानो आर्टिस्ट, एंड एल्बम नेम आई पियानो एल्बम, एंड जिनर कुछ भी दे दीजिए आपका मनपसंद का। ओके, ईयर भी दे देता हूँ यहाँ पर। ओके, कमेंट। ओके, एंड एल्बम कवर पे यहाँ पर क्लिक कीजिए एंड बॉक्स पे क्लिक कीजिए एंड कोई भी पिक्चर आप यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, नाउ सिंपली क्लिक टू पिक्चर एंड ओपन पे क्लिक कीजिए। जस्ट यहाँ पर ऐड हो गया पिक्चर एंड क्लिक टू सेव। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल डिटेल्स ऐड हो गया है मेरा सॉन्ग का, एंड आप देख सकते हैं पिक्चर भी चेंज हो गया सक्सेसफुली। प्ले करके देखते हैं। ओके, ओके दोस्तों, नाउ मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पूरे फोल्डर का म्यूजिक का पिक्चर चेंज कर सकते हैं। सिंपली सेम प्रोसेस कीजिए, उसके बाद कंट्रोल प्लस ए प्रेस कीजिए एंड सिलेक्ट ऑल कीजिए। उसके बाद आप डिटेल्स दे सकते हैं आपका कोई भी। टाइटल मत चेंज करना, क्योंकि टाइटल जब आप चेंज करेंगे तब आपका सॉन्ग का नेम भी चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नाउ एल्बम की क्लिक कीजिए, सिंपली चेक दे दीजिए। हो गया सेव एंड आप पूरे डिटेल्स ऐड हो गया। हो गया, पूरी तरह से सक्सेसफुली हो गया। आप पूरे फोल्डर का म्यूजिक का पिक्चर भी एक साथ चेंज कर सकते हैं और सिलेक्टिवली चेंज कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट कीजिए एंड फिर से सेम प्रोसेस कीजिए। ओके दोस्तों, दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनी प्रॉब्लम टू कमेंट अस बिलो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।